राजमल जी बताइए कि भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप अपने राज्य वापस चले जाएं और वहां जाकर रहें मुगल शहंशाह अकबर से डरे बिना। वो कुंवर प्रताप के जीवन के अधिक दिन अब बचे नहीं, वो आपको आपका राज्य कभी वापस नहीं दिला सकता। हम भी राजपूत हैं राजा सूरजमल, और आप भी राजपूत हैं। अंतर केवल इतना है कि हम बिकाऊ नहीं हैं। कुंवर प्रताप जैसा मित्र पाना आसान नहीं अपितु असंभव है। महानतम योद्धा, श्रेष्ठतम राष्ट्रभक्त, ऐसे मित्र को हम गंवा नहीं सकते। जयमल जी, ऐसा लगता है कि मेड़ता के नागरिकों की तनिक भी चिंता नहीं है। आप मेड़ता के नागरिकों की चिंता कदापि ना करें, और आपके ज्ञान हेतु आपको एक बात से अवगत करा देना चाहता हूं कि अकबर से हम अपना मेड़ता युद्ध भूमि में युद्ध जीत कर प्राप्त करेंगे, यह हमारा वचन है। ऐसा लगता है जयमल जी कि वीर गति ही आप लोगों के भविष्य में लिखी है। अब अगर कोई आत्महत्या करना चाहे तो उसमें भला मैं क्या सहायता कर सकता हूं? कुछ नहीं। मुगलों की विशाल सेना के सामने ना आप टिक सकते हैं और ना ही आपका वो कुंवर प्रताप। अब आप ही बताएं कितने दिनों तक दुर्ग का दरवाजा बंद करके आप बचते रहेंगे, और अभी कुछ ही दिनों में भोजन पानी सब कुछ समाप्त हो जाएगा, उसके बाद क्या? कुछ नहीं। आप और आपका वो प्रताप मुगल की सेना से पराजित ही होंगे। यदि आप दूत ना होते राजा सूरजमल जी, तो हम युद्ध के नियमों को ताक पर रख देते, परंतु ऐसा नहीं है। राजा जयमल राठौड़ अपने अतिथि का सम्मान करना अच्छी तरह जानते हैं। अब आपसे हमारी भेंट युद्ध भूमि में होगी राजा सूरजमल जी। आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि कौन शेर है और कौन सवा शेर। और हां, जाते जाते हमारी एक विशेष बात भी आप सुनते जाइए। हम भली भांति जानते हैं कि आप व्यक्ति बुरे नहीं, हां संगत बुरी अवश्य है। छोड़ दीजिए उस कायर मुगल को और हमारे साथ मिल जाइए, अपने राजपूतों के साथ मिल जाइए, और दिखा दीजिए उस कायर मुगल को कि राजपूत की मुट्ठी जब बंधती है तो सिंह चिंघाड़ने की जगह म्याऊं म्याऊं करने लगता है। कुछ करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में जो आनंद मिलता है उससे कहीं अधिक आनंद है अपने राष्ट्र की, अपने देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त कर लेना। यही राजपुताना धर्म भी है राजा सूरजमल जी। मिल जाइए हमारे साथ कि हम मिलजुल कर उन कायर मुगलों के विरुद्ध एक साथ युद्ध लड़ें जो हमारी संस्कृति को, हमारे स्नेह को, हमारे सम्मान को, हमारी भूमि को अपमानित कर रहे हैं। हमने आपको भरसक समझाने का प्रयास किया जयमल जी। ईश्वर आप और आपके मित्र कुंवर प्रताप की रक्षा करे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। अगर अकबर ने जयमल जी को अपने साथ मिला लिया तो हमारे सारे खतोत्साहित हो जाएंगे और ये स्थिति हमारे लिए कुछ नहीं होगा। सरदार जी, हम भली बातें जानते हैं अपने काका जयमल जी। आप ये बातें इसलिए कह रहे हैं कल्ला जी क्योंकि वो आपके काकोसा हैं। क्षमा करें, आप सब लोगों ने यकायक बात करना क्यों बंद कर दिया? बताइए ना क्या बात है। कुंवर प्रताप, आप ही बोलिए। युद्ध अवश्यंभावी हो चुका है और हमारी अनुपस्थिति में
सुचारू सैन्य सामंजस्य को बनाए रखने के लिए हम एक प्रमुख सेनापति नियुक्त करना चाहते हैं जो हमारे संपूर्ण सैन्य अंग का प्रमुख बन जाए। अजीराज, हमारी सेना का नेतृत्व करने के लिए भला आपसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति और कौन हो सकता है? राजा जयमल, इनके अपार अनुभव के सामने हमारा उत्साह कुछ भी नहीं। इसीलिए अपनी सेना का प्रमुख सेनापति हम आपको क्षमा कीजिएगा कुंवर प्रताप जी, लेकिन आपको कम से कम एक बार तो राजा जयमल जी से पूछ लेना चाहिए कि उनके उस विभीषण सूरजमल से क्या बातचीत हुई। अर्थात आप सभी को हमारी और सूरजमल जी की भेंट का ज्ञान हो चुका है, तो आपको इस बात का भी ज्ञान हो चुका होगा कि उस मुगल अकबर ने हमें कैसे कैसे प्रलोभन दिए अपने साथ मिला लेने के लिए। कुंवर प्रताप, ये जाने बिना कि सूरजमल जी से हमारी क्या बातचीत हुई, उन्होंने हमें क्यों और कैसे प्रलोभन दिए, आप हमें अपनी सेना का प्रमुख बना चुके हैं, इतना विश्वास? जयमल जी, सूरज चाहे पूरब के बजाय पश्चिम से भी निकल आए, किंतु आप नहीं बिक सकते। क्योंकि आपके मन में हर क्षण देश के हित के अतिरिक्त और कोई भावना नहीं रहती, गर्व है हमें आप में। ये सब बातें छोड़िए, अब हमें युद्ध के लिए कमर कसनी होगी, क्योंकि कल के विस्फोट के बाद और आपके द्वारा उस मुगल के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद अब वो मुगल शांत नहीं बैठेगा। उस मुगल के हर एक आक्रमण के लिए हमें तैयार रहना होगा, पूर्ण रूप से तैयार। जय एकलिंग जी, 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 जय एकलिंग जी। हुसैन कुली खान, नबी खान, गनी खान, हसन खान, हमला करो, चित्तौड़ के किले पर हमला करो, हम ये जंग जीतना चाहते हैं, वो भी जल्द से जल्द। जब तक हम इन राजपूतों की लाशें अपनी आंखों से नहीं देख लेते, हम चैन से नहीं बैठे। हमने अपनी फराग दिली दिखाकर इन राजपूतों को आखिरी मौका दिया था, और सूरजमल भी नाकामयाब होकर लौटा, ये सबूत है इन राजपूतों की जिद का, बेवकूफी का। इन राजपूतों के पास न खाने को कुछ बचा है और ना ही हमारी फौज के साथ मुकाबला करने के लिए हथियार, फिर भी इनकी इतनी जुरत हमारे दोस्ती के पैगाम को ठुकरा, हम भी चुप नहीं बैठेंगे, बदला लेंगे अपनी इस तौहीन का बदला, सबात पर काम करने वाले सिपाहियों और मजदूरों की मौत का बदला लेंगे। हम भी दिखा देंगे इन राजपूतों कि मुगल सल्तनत के सामने सर उठाने वालों को कैसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। ऐसा ही होगा, जहां पना हम एक एक करके इन सभी को जहन्नम में भेज देंगे। हम जान की बाजी लगा देंगे जहां पना, पर अब हम जीत करके ही वापस आएंगे। यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, सभी धनुर्धर तैयार हो जाए। टोड़िया जी, कल्ला कल्ला, आप दोनों दुर्ग के चित्तौड़ी द्वार की ओर जाइए। जय एकलिंग जी, जयमल जी, जयमल जी, आप सूरज पोल की ओर, और हाँ और हाँ, पत्ता को संग लेकर जाइए। जय एकलिंग जी।
हम किले की दीवार में आई दरार किले के अंदर दाखिल होने की कोशिश करें। अगर हम किले के अंदर नहीं पहुंच पाए तो हम ये जंग कभी नहीं जीत पाएंगे। हमें किले की दीवार तोड़नी है, हर कीमत पर तोड़नी है। हमला सभी सतर्क रहेंगे, सभी सचेत रहेंगे सैनिकों। यलगार हो। कल्ला जी, मुगलों की बहुत बड़ी सेना आ रही है। संख्या चाहे कितनी भी हो, फाटा चीटा चीटा कोई अंतर नहीं पड़ता। मुगल हमारे पतन बोर्ड की ओर द्वार तोड़कर दीवार तोड़ने का प्रयास करेंगे। वे दीवार तोड़कर भीतर घुसने का भी प्रयास करेंगे। हमें उन्हें भीतर घुसने नहीं देना, किसी हाल में हमारे धरोधर उनका निशाना किले के दीवारों में आई हुई दरारों पर होना चाहिए। जैसे कोई मुगल घुस रहे अंदर घुसने का प्रयास करेगा, हमारे तीर उन्हें छलनी कर देंगे। साथियों, हमारी हार या जीत मुगल घुस रहे को कुचलने पे ही टिकी है। मुगल हमारी सीमा के अंदर आ चुके हैं। धड़ से कहे कि तीर चलाएं, उन्हें छलनी कर दें। तीर चलाओ, तीर चलाओ। तीर चला रहे हैं, अपनी अपनी बंदूकें संभालो और चलाओ गोलियां। चारों ओर से घेर लिया। किले की ब्रांचों को और घुस जाओ इस किले में। मुगल हमारा इंडिकेटर है। और तीर चलाइए। सभी धनुधर दीवार के पीछे छिप जाइए। हमारा शत्रु संख्या में भले ही कितना ही अधिक क्यों ना हो, किंतु हम लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु अपनी अंतिम श्वास तक प्रयास करेंगे। तीर चलाओ। तुम मुगलों का इतना साहस कि तुमने हमारे पावन दुर्ग के भीतर अपने पांव रखे। Come on!
रुके ना, और बौछार करते रहो तीरों की। एक दिन राजपूत जिंदा नहीं बचना चाहिए। तभी सैनिक गोलियों से बचकर आए। जल्दी से बारूद लेकर जाओ और उस दीवार के नीचे लगा दो। मैं पूरा विश्वास है ये हमारे, वो देखो लगता है मुगल बारूद लेकर आ रहे हैं।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.